हेलो स्टूडेंट्स। तो कल 10th CBSE 10th का रिजल्ट आया था, तो अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट आए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर नहीं आए हैं तो आप प्लीज़ निराश मत होइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम आने वाले बाकी हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में कहावत भी है कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, तो आप इसे सीख लीजिए और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज आगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7। तो 7 बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, तो छोड़िए सब, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। डाइपोल पढ़ चुके थे, वही डाइपोल का हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो टॉर्क होगा। टॉर्क क्या है हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, चलिए, लाइट भी आ गया। तो अब क्या है, टॉर्क हो गया, उसके बाद हम लोग टॉर्क से क्वेश्चन भी ले लेंगे। सही है, और फिर इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ेंगे आज, और गौसला नेक्स्ट हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग का स्वागत है आपके और हमारे चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। पता ही होगा, चलिए, क्या किए हम, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। क्या किए हैं, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, चलिए। अच्छा बताइए आप लोग, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे हम डिनोट किए हैं, ये हम लोग बताए थे 6 या 5 में, बताए थे ना कि ये बताते हैं हम लोग कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नहीं, यहाँ जहाँ यहाँ का बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हम डाइपोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस क्यू, और यहाँ पर ले लेते हैं क्या लेते हैं, प्लस क्यू, डाइपोल। अच्छा, ए मान लीजिए इसका मिड पॉइंट होगा, ए एल और ए एल, एल 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 एल, सही है ना। ध्यान देना एक चीज, अब हम क्या किए हैं, कोई अच्छा एक बात हम बताए थे पहले ही कि पॉजिटिव पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पॉजिटिव पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिरेक्शन में लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अच्छा, यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, लगेगा ना फोर्स, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। क्यू कितना है, पॉजिटिव क्यू, ई कितना है, ई, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, समझ गए। यहाँ पर क्या लगेगा, इस ओर लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। अरे यार देखो, यहाँ पर वेक्टर हमें लेना है, वेक्टर लेते तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ता, ठीक है ना। चलो छोड़ो, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, एफ इक्वल टू, अब बात ध्यान देना है आपको कि मान लीजिए इसको बीच में एक्सिस हो गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक थीटा एंगल जो एल है ना, एल मतलब ऐसे कौन, ऐसे डाइपोल ऐसे, तो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा होगा, थीटा, तो एल को तोड़ दीजिए 2 कॉम्पोनेंट्स में, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा। क्यों तोड़े, क्या पूछे, क्यों तोड़े, इसलिए तो रहे क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि फोर्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम लोगों को ये चाहिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या, ये तो हाइपोटेनस वाला ना, हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए, इसलिए इसका कंपोनेंट हम तोड़ रहे हैं, समझे, हाँ ना, बोलो। चलो ठीक है, अब क्या है कि एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, सही है ना तक। अब बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोण कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोण कितना हुआ, एल साइन थीटा, फोर्स कितना हुआ, क्यू ई। अब टॉर्क निकालो, टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉर्क और साइन थीटा नहीं, चलो टॉर्क होगा, अब इसके वजह से निकालेंगे टॉर्क, इसके वजह से निकालेंगे टॉर्क, दोनों को जोड़ देंगे, यानी टी वन प्लस टी टू, टी नेट निकल जाएगा, क्या निकलेगा, टी नेट इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। टी वन के वजह से कितना लगेगा, मान लीजिए निकालते हैं टी नेट ही पहले, क्या निकलेगा, टी वन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होगा यहाँ पर, फोर्स कितना लग रहा है इसके वजह से, क्यू ई, फोर्स 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 क्यू ई, और कितना लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा है ना, अच्छा एल साइन थीटा, अच्छा प्लस इसके वजह से, इसके वजह से भी सेम वैसे ही होगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए मान लीजिए उसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये बना रहा होगा थीटा, ठीक है, ये हो, ये एल है तो एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, यहाँ से एल, ये जो एल है ना, एल ए वाला है, ठीक है, एल ए लाइन है ए वाला, और यहाँ से एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, फोर्स हो रहा है क्यू ई, कितना है डिस्टेंस, एल साइन थीटा है ना, तो क्यू ई एल साइन थीटा, क्या बचा, क्या बचा, क्या होगा, जोड़ने पर क्या हुआ, होगा टू क्यू ई एल साइन थीटा,
ठीक है, एल है, एल है, एल है, एल है, एल है, एल है, क्या है, एल है। क्यू, अच्छा क्यू इंटू ट्वेल्व लिख सकते हैं, अच्छा यानी कि ई इंटू क्यू इंटू टू एल इंटू साइन थीटा, क्या हुआ, ये हुआ ई पी साइन थीटा, सही यहां तक। अब आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे वेक्टर में कि हम लोग ईपी साइन थीटा को, ईपी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यानी टॉर्क इक्वल टू होता है ना, टॉर्क इक्वल टू हम लोग ईपी साइन थीटा को लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, सही है ना। आप ये भी बोलोगे कि हम ई क्रॉस पी भी लिख सकते हैं, ई क्रॉस पी भी लिख सकते हैं, ई क्रॉस पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं, कौन सही है बताओ, बताओ बताओ कौन सही है, ये वाला, क्या वाला, ये वाला, क्यों क्यों हम माने कि ये सही है गलत है। देखो डाइपोल है ना, डाइपोल ऐसे, डाइपोल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है, रोटेशन ऑफ डाइपोल, रोटेशन ऑफ डाइपोल इज क्लॉकवाइज, क्या होता है, क्लॉकवाइज, ऐसे घर कैसे घूमता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ऐसे है ना। तो देखो एक पॉजिटिव है, एक चीज और जान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो चाहता है कि जो डाइपोल है ना वो उसको एकदम अपने अलोंग लाकर खड़ा कर दे, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो चाहे पॉजिटिव एकदम सीधा इसके आ जाए और निगेटिव ऐसे एकदम सीधा आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, ऐसा चाहता है, यानी कि इसका मूवमेंट होगा कैसे, क्लॉकवाइज, जब मूवमेंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, पी ऐसे है डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मूवमेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो हम लोग को पी से ई जाना है या फिर ई से पी जाना है, ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है डाइपोल ऐसे है, हम लोग ई से पी जा रहे हैं कि पी से ई जा रहे हैं, क्लॉकवाइज है ना, पी टू ई पी ई पी ई, इसलिए हम लोग पी क्रॉस ई का निकालते हैं, पी और ई का क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं टॉर्क, यानी कि अगर आपसे कोई टॉर्क पूछे तो आप उसको EP साइन थीटा या फिर PE साइन थीटा बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका मूड हो थोड़ा सा इनोवेटिव बनने का तो आप लोग हमेशा P क्रॉस E बोलिए, P क्रॉस E बोलिए, सही है। अच्छा अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए, बने तो बने नहीं बने तो और भी अच्छा, कुछ सीख लेंगे यहाँ से, ठीक है, और बन जाए तो और अच्छा बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या किए हम, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू है ना, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं प्लस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे हम ऐसे, अब इसको भी पकड़े हुए हैं, उसे डाइपोल से बाहर होगा, अभी उठा के लगा, उठा के लगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, छोड़ दिए, रख के छोड़ दिए। अब कोई पूछे कि जैसे ही छोड़ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को छोड़े ना, हाँ तो छोड़ने से ही उसी समय एक कितना एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन बोले या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन बोले, एंगुलर ना क्योंकि गोल घूम रहा है, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं डिनोट अल्फा से, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सब भूल गए, अरे क्लास 11 में पढ़ना था, किसमें पढ़ना था, 11 में, जबकि 11 में हम लोग पढ़े नहीं, नहीं पढ़े ना, चल मान लो अभी सीख लेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, बोलते हैं अल्फा। अब बताइए इसको हम छोड़े तो कितना एक्सेलरेशन से, कितना एंगुलर एक्सेलरेशन से ये घूमेगा डाइपोल, कितना एंगुलर एक्सेलरेशन से, स्टार्टिंग कितना से करेगा, बस ये पूछ रहे हैं। सॉल्व कीजिए हो गया, चलिए बनाते हैं हम कैसे। देखिए टॉर्क का एक फॉर्मूला तो हम लोग आज जान गए, एक फॉर्मूला और आप पहले से जानते होंगे, टॉर्क इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये भी इसका फॉर्मूला एक होता है। और अभी हम कल हम लोग क्या जाने थे, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा। अच्छा चलिए पहले निकाल लेते हैं टॉर्क, इसे निकाल लेते हैं, किसी से निकाल लो, क्या होगा इसके वजह से क्या निकल टॉर्क होगा, पीई, पी कितना होगा, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, ई ई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया साइन थीटा, साइन थीटा छोड़ दो, अच्छा इसके वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टॉर्क निकालो, टॉर्क निकालो इसके वजह से, तो क्या मैं यहाँ पर टी इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू, नहीं पता, इक्वल टू होता है, इसका मान लो मास एम, एम वन, इसका मास मान लो
एम तुम तो एम ही है ना, दोनों सेम चीज सेम दोनों दोनों सेम है, बस इसका साइन एस से अपोजिट है एम एम। तो क्या होगा, ये इसका डिस्टेंस कितना था बच्चों, ए एल था ए एल था। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर, मतलब एम मास इनटू 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 डिस्टेंस का स्क्वायर, मास एम एल स्क्वायर और इसके वजह से एम एल स्क्वायर, यानी कितना आएगा एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, कितना आया टू एम एल स्क्वायर, आई इक्वल टू एंड हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि टू एम एल स्क्वायर हो गया ना इनटू अल्फा। तो यहां इसको मान लीजिए क्वेश्चन वन, इसको मान लीजिए टू, तो टी टी इक्वल है ई इक्वल टू ई हो जाएगा। अच्छा क्या लिखे हम लिख सकते हैं यहाँ पर टू एम एल स्क्वायर है ना, टू एम एल स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्यू टू एल ई, क्यू टू एल ई साइन थीटा है ना, साइन थीटा। अच्छा अब बताओ हम लोग एल से काट सकते हैं क्या, एक एल से एल काट दिया। अच्छा अब क्या आया मेरा अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, निकाल यहां से अल्फा इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा बाय 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 टू एम एल, टू एम एल। तो ये आ गया क्या मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं मतलब उस समय, जब छोड़ना उस समय कितना होगा उसका एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं। ठीक है तो अब हम लोग इंटर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वाले था ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, क्या है उसका नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पता है, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे आज ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तो जानना जरूरी है एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि उसके बिना फिर वो अधूरा रहता है। अच्छा क्या है वो देखते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, ये ले लीजिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जो जेड हम लिए हैं। अब कोई बोले कि यहां पर एक रेक्टेंगल है इसमें, ठीक है इसमें रेक्टेंगल ऐसे ले लिए, ऐसे होगा सिर्फ मान लो रेक्टेंगल ऐसे होगा, रेक्टेंगल ऐसे भरा हुआ है। अच्छा रेक्टेंगल, अच्छा अच्छा एक मिनट उसमें टॉर्क है ना, एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज हम मिस कर रहे थे, मिस ये कर रहे थे कि टॉर्क पढ़े हैं, टॉर्क की कुछ चीज हम बताना भूल गए। टॉर्क में है कि अब देखिए टॉर्क जो था, टॉर्क मैक्सिमम का हो सकता है मिनिमम का हो सकता है, सॉरी सॉरी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो क्या हुआ हम लोग टॉर्क इक्वल टू क्या जाने, हम टॉर्क इक्वल टू जाने कि पी ई साइन थीटा। तो देखिए इसका मैक्सिमम कब हो सकता है टॉर्क, जब साइन कितना कितना हो या फिर 90 हो और नहीं तो 270 हो, कितना हो व्हेन थीटा इक्वल टू लिख लो यहां पर टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन व्हेन क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। 90 तो समझ गए होगे, 270 में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहां पर हम टॉर्क को ऐसे रखें, ठीक है ऐसे मान लीजिए टॉर्क मान लीजिए ऐसे होगा, ठीक है ये कितना होगा पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव क्यू, ये होगा निगेटिव क्यू, बन रहा होगा 90 मैक्सिमम। अब देखिए अब इसको पलट दीजिए, कैसे पढ़ लेंगे 90 से यहां पलटेगा 180, फिर ऐसे पढ़ लेंगे 270, तो इसको जब पलटेंगे तो कैसा फिगर होगा, अरे निगेटिव ऊपर चल जाएगा, थोड़ा सा याद नहीं है क्या तुम भी। अच्छा ये क्या होगा निगेटिव क्यू, ये होगा पॉजिटिव क्यू, अरे सिंपल सा यार क्या इसमें भी चलो ठीक है हो गया। अब मिनिमम कब हो सकता है, मिनिमम 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 ठीक है मिनिमम मिनिमम यहाँ पर करते हैं मिनिमम, थीटा चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा कितना होगा मिनिमम, मिनिमम कब हो सकता है ये आप लोग बता दोगे शायद, कितना होगा थीटा कितना हो सकता है, या फिर देखो साइन कितना का मान जीरो होता है जीरो डिग्री, या फिर वो यहाँ पर साइन यहाँ पर थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री हो, या फिर कितना हो 180, या फिर 180। चलो फील करो फील करो फील करो कैसे ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे याद रखो कोष्टक में ये बात की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करते हैं जीरो डिग्री, समझ लो जीरो डिग्री यानी कि ये निगेटिव होगा ना, ये अगर निगेटिव क्यू है यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है, निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल, डाइपोल कैसे निगेटिव टू पॉजिटिव,
बताए थे जैसे सिक्स में नहीं पढ़े, पढ़ लो जाके, नेगेटिव पॉजिटिव होता है पी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है। एक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी में कितना है मतलब कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैक्सिमम केस टू ले लेते हैं, केस टू में क्या है ऐसे ले लेते हैं, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा निगेटिव, निगेटिव क्यू, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव क्यू। ये है डाइपोल मोमेंट हो रहा है, ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जा रहा है 180, ये हो जाएगा। समझे कैसे, समझे नहीं समझे, समझ गया ना, चलो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये मतलब एक थोड़ा सा है कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या बोलते हैं उसको, अस्टेबल बोलते हैं, कब अस्टेबल होगा कब अस्टेबल नहीं होगा। तो बस एक मिनट का खेल है, ठीक है, एक मिनट में देख लेते हैं क्या होगा। टाइम नहीं देखना है बस, इस समझ लो कि कब होगा, एक मिनट नहीं, कब होगा स्टेबल। देखो मान लो अगर ए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हम क्या कर रहे हैं एक निगेटिव क्यू लाते हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव क्यू लाते हैं यहाँ पे, सही है। अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइपोल को ना ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं उठाएं उठाएं, देखें कि फिर वापस नहीं पा गया, उसको हम थोड़ा सा फोर्स दिए उठाएं ऊपर, थोड़ा सा आग लगाएं कि थोड़ा लड़ाई वड़ाई करो, थोड़ा सा गोल घूमो, थोड़ा सा तो घूमो, लेकिन जैसे उठा रहे ऐसे यहाँ पे फिर चला वही आ गया, फिर चला वहीं आके बैठ गया। ठीक है बुढ़बक, हम तो जब ऊपर गए तो नाचो ना गोल गोल यार, घूम नहीं रहा तुम, तब बोलेंगे तू अस्टेबल है, तोरा कोई कुछ ना बिगाड़ सकता है, तू अस्टेबल है, इसको हम बोलते हैं अस्टेबल। फिर लो इसको, यानी कि देखो हम क्या बोले थे कुछ देर पहले ही बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि जो डाइपोल है इसके डिरेक्शन में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाह रही है कि ठीक है हो जाए। अब ये पॉजिटिव है, ये तो पहले से ही ऐसा है, अब तुम हल्का सा फोर्स लगाओगे, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं, हल्का सा फोर्स बोले हम, इन्हें किधर के पूरा इसको उल्टा करेंगे तो गोल होना शुरू हो जाएगा, तो बोलोगे फिर हम गलती पढ़ाएं, गलती नहीं पढ़ाएं, हल्का सा फोर्स लगाना, देखें कि फिर वही पा गया, ऊपर किए देखिए टू 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 फिर जाएगा, तो ऊपर किए ऐसे से नहीं पा गया, इसको बोलते हैं स्टेबल। ये अस्टेबल यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, बस यहीं पे अब हम लोग बस इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। अगर एक क्या होगा, मान लो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव क्यू और यहाँ हो जाएगा निगेटिव क्यू। अब देखो अब क्या है, अब थोड़ा सा इसको दिया ना फोर्स, पूरा घूम गया, पूरा घूम गया, थोड़ा सा फोर्स दिया, थोड़ा सा दूसरा फोर्स दिए, कौन सा दिए घूम गया, एक क्या है अनस्टेबल, एक क्या हो जाएगा अनस्टेबल। अनस्टेबल समझे क्या होता है, यानी कि जब ये बताओ तो अभी कितना डिग्री पर है, थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू कितना भी है 180, उसमें कितना था, यानी कि हम लोग जानते हैं कि अस्टेबल के लिए, अस्टेबल के लिए थीटा कितना चाहिए 0 डिग्री, क्योंकि मतलब एक देखो अस्टेबल के लिए क्या था, अस्टेबल के लिए क्या था, यहाँ पर था निगेटिव क्यू, यहाँ था पॉजिटिव क्यू, पीई और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है पीई निगेटिव टू पॉजिटिव, पीई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर 180, समझ ना अस्टेबल कितना था थीटा इक्वल टू 180, सही है। चलो अब आते हैं जो बता रहे थे एरिया वेक्टर। अच्छा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बात पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सही है ना, बड़ा गर्मी यार, एरिया वेक्टर क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर देखो ए वाई ए एक्स ए जेड एक्स वाई जेड, हम एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ पर रखेंगे रेक्टेंगल को ऐसे ऐसे, मान लो रेक्टेंगल होगा, चलिए इसका लेंथ ए इसका लेंथ ए। अब बोले मान लो जी कि ए नाम दे दो ए बी सी डी, हमको बोले किसका निकालो एरिया वेक्टर, कैसे निकलेगा, तो ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी हमको निकालना है एरिया वेक्टर, एरिया एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मतलब उतना डरो मत, मतलब एरिया निकाल दो प्लस उसमें उसका बता दो साइन, मतलब कि उसका डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में है, उसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर, समझे ना, वेक्टर पता है, वेक्टर मतलब जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दे, तो बस क्या इसमें टेंशन लेना यार तुम लोग को। तो ए बी इंटू ए सी, क्या होगा ए बी का मान ए, ए सी का मान ए, कितना हो गया ए स्क्वायर, इसका बता दो डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा क्या होगा, देखो या फिर जो एरिया वेक्टर है ना वो हमेशा परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिक्यूलर कार में बैठा लो गांव बैठा लो, ठीक है, यानी कि ये ऐसे होगा बाहर निकल रहा होगा, या फिर सोचो बोर्ड के हम लोग जा रहे हैं पीछे और उसके पिछले सरफेस से भी ऐसे 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 आ रहा होगा या फिर ऐसे आ रहा होगा, ऐसे
या फिर ऐसे एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा ई स्क्वायर, इसका क्या होगा डायरेक्शन, या फिर ये जेड में गया होगा, जेड के पॉजिटिव या फिर जेड के निगेटिव। जेड का क्या बोलते हैं हम लोग, के कैप, तब के, ठीक है, या फिर इसको हम के कैप ले सकते हैं ना डायरेक्शन इसको, और क्या बोलते हैं इसको हम ए स्क्वायर और माइनस के बोल सकते हैं ना, माइनस को पॉजिटिव के, दोनों आप लोग बोल सकते हैं, सही है ना। चलो अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा, ये तो हो गया, अब इसको थोड़ा डीप में जा देते हैं। देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं, क्योंकि तुम लोग भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो एरिया वेक्टर है ना, अगर हम लोग निकाल रहे हैं 2D के लिए, 2D के लिए, तो अच्छा एक क्या था रेक्टेंगल, कैसे यार कुछ से लेते हैं, मान लो रेक्टेंगल, देखो मान लो एक रेक्टेंगल, इसमें थिकनेस बहुत कम है, मान लो ऐसा रेक्टेंगल हम लोग इससे निकाल रहे हैं, अगर निकाला है एरिया वेक्टर, तो इसको जो अपर सरफेस है इससे निकाल रहे थे, ये था पीछे वाला सरफेस, इससे इसे निकाल रहे थे ना, पॉजिटिव के इधर निगेटिव के। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं 3D सरफेस, मान लो 3D सरफेस है ना, लेते हैं 3D सरफेस, अगर इससे निकालना है तो कभी भी इसके इनर सरफेस, ये नहीं जो इसके है ना इनर सरफेस, इससे नहीं निकालना है हम लोग को, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर जो है ना एरिया वेक्टर, उसी से देखेंगे। देखो मतलब ऐसे ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, कभी भी नहीं कि इसके अंदर से, इनर सरफेस से नहीं। और जो रेक्टेंगल था, मान लो ये रेक्टेंगल था, तो इसके निकालते थे ऐसे, और पीछे से जो पीछे था इससे भी निकालते थे, लेकिन इससे ऐसे हम नहीं करेंगे, इससे हम नहीं करेंगे। यानी लिख सकते हैं कि 2D के लिए, और 2D के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। तो 2D के लिए हम लोग एरिया वेक्टर निकालते हैं, अगर एरिया वेक्टर इज फॉर बोथ अपर सरफेस एज वेल एज इनर सरफेस, ठीक है, तो अपर सरफेस और इनर सरफेस, और नहीं एंड इनर सरफेस, बट देन दे आर टॉकिंग अबाउट द 3D सरफेस, देन 3D फिगर, देन ओनली वी शुड कंसीडर द अपर सरफेस, अपर सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। 3D के लिए क्या होगा, 3D के लिए क्या होगा, 3D के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस का, अपर सरफेस, फील नहीं हुआ, दिखाते हैं, फील करवाना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, फील बहुत जरूरी है, बिना फील के फिजिक्स नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दो, मान लो इसे ए एक से वाई है जेड, बस वही सब पहले वाला एक्स वाई जेड। अब क्या कर रहे हो तुम एक सिलेंडर को ला रहे हो, किसको ला रहे हो, सिलेंडर वो नहीं वाला, नहीं हम लोग वाला, क्या होगा ऐसे इसका फिगर ऐसे ही बनता है ना। चलो अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अच्छा कोई तुमसे बोले एरिया वेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एरिया वेक्टर, नथिंग मोर, एरिया वेक्टर देखो हम लोग, अच्छा सिलेंडर होगा इसका कितना सरफेस होगा, सिलेंडर होगा मान लो, अरे इमेजिन करो, इमेजिन जैसे हाई रखो सिलेंडर ऐसे, एक ऐसे ऊपर होगा, उससे कितना सरफेस होंगे, जो ऊपर ढक्कन होगा एक, जो नीचे वाला होगा दो, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड वाला तीन होगा उसका सरफेस। इसकी वजह से कैसे होगा एरिया ऐसे निकलेगा, एक यार इसकी वजह से क्या होगा एरिया ऐसे निकलेगा, इसके वजह से क्या होगा एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे। हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान दो, इसके परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, नहीं कि इसको जो इनर वाला है साइड उसके परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं किए हम। अरे देखो इससे सिलेंडर होगा ऊपर से ढका हुआ होगा, जिसको अंदर भी तो निकाल सकते थे, लेकिन नहीं हम लोग ऊपर के अपर वाला जो है सरफेस उसके परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं एरिया वेक्टर। ध्यान दो, हम ये बताना चाहते हैं बस, ऐसे ऐसे निकलेगा, और इसके बस क्या निकलेगा ऐसे, और ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके बस क्या निकलेगा परपेंडिकुलर, ऐसे निकलेगा, ठीक है, सही है। चलो फील हो गया, चलो मैं चलो, अब हम लोग ये अगर फील हो गया तब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दुगने मजे से पढ़ पाओगे, और नहीं फील हुआ तो बैक करो और फिर से फील करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक यार साइड में कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो जब किसी एक
फिक्स एरिया वेक्टर में, देखो किसी एक फिक्स एरिया में, किसी एक फिक्स एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरे किसी भी एरिया वेक्टर में, मान लो कि एक हम इतना से ले लिए, ये रेक्टेंगल ले लिए ऐसे, और इसके अंदर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा होगा, जितना नहीं गुजर रहा होगा जितना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सही है। चलो अब तुम खुद फील करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर सकता है, किस किस चीज पर डिपेंड कर सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा मान लो, ठीक है, हम क्या किए हैं, एक ले लेते हैं एरिया, यानी कुछ एरिया, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, स्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी 2D 3D जो मान लेना बोलो, सर्किल कुछ भी लेना सुनो, हम यहाँ पर लेते हैं एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लिए, देखो फील नहीं हो पा रहा है, फील करो, रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा होगा ऐसे, देखो एक दो तीन चार, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ए फिक्स्ड इतने एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, हम इसी को बोलेंगे कितना इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हुआ हुआ ना, चलो किस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान दो, अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस का डेंसिटी भी कितना है, चार गो है, तो चार गो में से देखो दो को पास हो रहा है, मान लो ये तो अंदर से नीचे पास हो रहा है, दो को पास हो रहा है, दो को पास हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे देखो, एक ऐसे पास हो रहा है, एक ऐसे पास हो रहा है, और एक इधर से नीचे निकल जा रहा है, वो ऊपर से ऐसे निकल जा रहा है, देखो ठीक सही है। अब क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी हम बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा दिए, एक ऐसे गुजार दिए, एक ऐसे गुजार दिए, एक ऐसे गुजार दिए, एक ऐसे गुजार दिए। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ने लगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ने लगा, यानी कि हम लोग ये जान गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं ऐसे, फाइस बोलते हैं मैथ बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, रटना नहीं है, समझो फील करो, ऐसे जा रहा था एक ऐसे, एक नीचे, एक नीचे, एक दो, इसमें 200 दो ही पास हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, और तेज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता है, फील कर पाए, है ना, है ना, हाँ चलो ठीक है। अब क्या करें हम, हम जो एरिया लिए थे ना, इसको मिटा देते हैं, अब देखो ये तो जो होंगे इसको मान लो इक्वेशन वन, अब क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जब हम जो एक जो था लिए थे रेक्टेंगल उसका बढ़ा दिए, एरिया बढ़ा दिए, सब बड़ा कर लिए, बड़ा कर दिए, बड़ा करने से क्या हुआ, ऐसे बड़ा हो गया, तो देखें कि एरिया को बढ़ाने से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है, समझे नहीं समझे, है ना, हाँ 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 चलो ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसी दोनों को इक्वेट करके हमारे फिजिसिस्ट ने एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डी ए, ई डॉट डी या फिर ई डी ए कॉस थीटा बोल सकते हो इसको, आप पढ़ो ना वेक्टर में, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए को हम लोग बोल सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, या फिर ई डी ए कॉस थीटा को बोल सकते हैं ई डॉट डी ए, चलो बढ़िया। अब ये फील नहीं हो रहा होगा, समझ सकते हैं, फील नहीं हो रहा होगा, फील करवा देते हैं, क्योंकि बिना फील का फिजिक्स पता ही नहीं है, ठीक है, अभी समझ जाओ ऐसा होता क्यों, हम बताते हैं अभी कुछ देर में, लिख लिए इसको, चलो 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 चलो, क्या कर रहे हैं हम, एक ले लेते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल लिए ऐसे, अच्छा तो सीट करते हैं इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा तुम बताओ, जल्दी 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 कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे होगा एरिया वेक्टर, ठीक है, ऐसे होगा, अच्छा देखो 2D है, 2D है तो ऐसे भी हो सकता है और पीछे से भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मान लो 3D होगा तो सोच मटा उठा होगा, 3D है तो क्या होगा, सीधे परपेंडिकुलर अपर सरफेस से ऐसे होगा, मान लो 3D है तो ये ऐसे होगा, बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, तो बाहर तो भी निकाल सकते, 3D तो सरफेस है नहीं हम लोग पास, तो ऐसे मान लेते हैं, ये होगा एरिया वेक्टर। अब क्या हुआ, अच्छा जो अभी हम लोग फ्लक्स पढ़े थे, क्या फ्लक्स पढ़े थे, ई डी ए
कॉस थीटा, जो थीटा यहां पर है वो क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो बताता है थीटा। कितना एंगल बन रहा है वहां पर हम थीटा को कंसीडर करेंगे उतना ही। समझे? समझे ना? चलो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा जो कि थीटा एंगल बना रहा होगा। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीटा बना रहा होगा एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो आप ई का मान यहाँ पर एन ए दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर मान का मान ए दे दीजिएगा और थीटा बढ़ा दीजिएगा ए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हम बोले ध्यान समझना है। समझना है इसका कंपोनेंट आप तोड़िए, क्या होगा? ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। ध्यान समझिएगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे जो कि जो है ना हमारा, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस। इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं या फिर 3D सरफेस भी बोल सकते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर गुजरे, परपेंडिकुलर इसको फाड़ते हुए गुजरे, ऐसे फाड़ते हुए, ठीक है? तो इसको हम लोग ई साइन थीटा को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा, क्या बोलते हैं, ई कॉस थीटा, है ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा की वजह से इस जो रेक्टेंगल, कुछ भी 3D सरफेस है, इसके पक्का बात है कि इसके जो मतलब रेक्टेंगल है इसके आर पार तो नहीं होगा। देखिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे तो गुजर रहा होगा, ऐसे ऐसे गुजर रहा होगा। हमको चाहिए क्या, इसको जो सरफेस है इसको फाड़ते हुए, इसको परपेंडिकुलरली इसको पार करें, उसी को ना बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे पहले तो मुझे बता दिया यार, भूल गए। चलो क्या बोलते हैं, इसको सरफेस के परपेंडिकुलर फाड़ते हुए गुजरे, फाड़ते हुए सरफेस को। पर ये साला है क्या, जो साइन थीटा वो क्या है, जो ई साइन थीटा क्या है वो साला ऐसे है, ऐसे वही नीचे तरह है, साला पार नहीं कर रहा। जब इसको फाड़ नहीं रहा है, इसको पार नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे, उसको हम क्यों करें कंसिडर? नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, समझे? इसलिए ई कॉस थीटा लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फिर हम लोग को वही कंसीडर करना होता है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, समझ गए? चलो बढ़िया है, समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व, इंपॉर्टेंट क्या मतलब इजी है, ठीक है? सॉल्व सॉल्व कीजिए। आप देखिए मान लीजिए एक्स वाई जेड, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, वही लेते हैं सिलेंडर वाला, ठीक है? ऐसे होगा, ऐसे ले लीजिए, मेरा थोड़ा फिगर में कमजोर, मतलब बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं हम, तो कुछ ज्यादा ऐसा करते हैं, 10 में 5 आने वाला, ठीक है? तो अब क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको। तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकल सकता है? इसको 3 सरफेस है ना, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सी एस ए वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू, इसको मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको मान लेते हैं सेकंड सरफेस, इसको मान लेते हैं थर्ड सरफेस। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल 3 सरफेसेस, जल्दी हुआ हुआ? चलो ठीक है, नहीं हुआ ना, हो गया। चलो क्या हुआ, फर्स्ट कैसे निकलेगा? हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा क्या बनेगा? एरिया वेक्टर इधर ना, इसके परपेंडिकुलर, अपर सरफेस के परपेंडिकुलर। कोई अभी किया हुआ इधर वाला तो यार वो महामूर्ख है, हम उधर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे यार कि इन वाला नहीं करना है, अपर वाला करना है। अपर वाला किया तो बहुत अच्छा, हमारे लिए तो क्या, फिर समझो ये, समझ जाओ कि अपर सरफेस से निकलता है, बताया था ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर निकल रहा है एरिया वेक्टर, इधर कितना एंगल बन रहा है? 0। क्या बनेगा? ई ए कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1, और क्या, ये हो जाएगा आंसर। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड कितना होगा, सेकंड वजह से एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, अरे इधर यार क्या तुम भी, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एरिया वेक्टर इधर, थीटा कितना हो रहा है 180। तो क्या होगा, ई ए कॉस 180, कॉस 180 का मान बताओ जल्दी से, जल्दी से, कॉस 180 का मान
माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस ई ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू निकालो हमको थर्ड सरफेस जल्दी से, निकाल ली थे ना यार, एरिया वेक्टर निकालो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, एरिया वेक्टर है ऐसे, कितना है बन रहा है 90, cos 90 का मान 0, यानी कि ई ए cos थीटा, ई ए cos 90 डिग्री, कितना बचेगा ई ए cos 90 का मान 0, यानी कि ई ए बचेगा, अरे ई ए cos 90 यानी कि 0 क्या है, ई ए cos ई ए * 0 0, सही था, चलो सही था, बहुत अच्छा था, नहीं सही था तो और भी सही था, कुछ सीखा यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये लास्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट है, तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्किल लिए हुए हैं, सर्किल, और यहाँ से मान लो एरिया वेक्टर का कैसा होगा, फिल करो, ऐसे होगा ना, निकल रहा होगा ऐसे बाहर की ओर निकल रहा होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसे निकल रहा होगा, एरिया वेक्टर, ध्यान दो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एंगल बन रहा होगा मान लो 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, तो अब बताओ, अब बताओ कि कितना, मतलब एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेते हैं, क्वेश्चन एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा था, ई था ए था, अच्छा एक मिनट, ए ई था ए था, एक इसको पता है, इसको मान लेते हैं हम लोग ए रेडियस हो गया, इतना क्वेश्चन कितना है, ए रेडियस हो गया, ए ई हो गया, और ए इसको ई मान लेते हैं, ठीक है, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए होगा, ए एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है, वो एरिया वेक्टर निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, अब बताइए आप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, थीटा वही लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो थीटा हो वही हम लोग को कंसीडर करना है, सही है, इसके बनाने के दो तरीके, बन गया, बनाने के दो तरीके, आप एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में निकालना है क्या, एंगल कितना है, वो हार्ड नहीं है, ठीक है, ए हो गया थीटा, मतलब मान लीजिए कि ए ऐसे मतलब परपेंडिकुलर होगा तो ए 30 तो कितना होगा 60, ठीक है, तो कैसे कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, मान लो कि ये परपेंडिकुलर है, मान लो, नहीं मानना है तो कुछ वेट कर लो, वैसे ही बन जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस मान का मान कितना होगा, कॉस थीटा, थीटा क्या, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, कितना थीटा है, cos 60, ई ए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2, कितना आया, ई ए बाई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ई ए बाई टू, सही है सब कुछ, ये मन नहीं बनाने का, तुम लोग कैसे बनाए थे, देखो अगर ऐसे बनाए तो अच्छा बात है, एक और तरीका से बनाए तो और अच्छा बात है, वो कैसे है बताए हैं यानी कि नहीं बताए, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताए थे इसके दो कॉम्पोनेंट तोड़ दो, कैसे होगा, जहां बना है थीटा होगा ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ये तोड़ देगा यहां से, क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, मान लो कैसे जीता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ई साइन थीटा, सही है, अच्छा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए, ऐसा ए पहले तो ये निकालो ए, और ई कितना है, ई साइन थीटा, ई साइन टल लेंगे यहाँ पर, ई साइन टल लेंगे, थोड़ा भूल जाओ ई ए कॉस थीटा बोले थे, बोलो मत अभी के लिए भूल जाओ, ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये नहीं कॉस थीटा, यहाँ पर ई साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो फाड़ते हुए निकल रहा है वो ई ए साइन थीटा है, ई कॉस थीटा फाड़ते हुए नहीं निकल रहा है, ये ई साइन थीटा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा का जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है यार, थीटा है, एक कॉस थीटा है, साइन थीटा, साइन थीटा इसको फाड़ते हुए सर्किल को निकल रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए हम ई साइन थीटा को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई ए साइन थीटा, तो यहाँ कितना होगा, ई ए साइन कितना थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये कितना है, ई ए बाई, ऐसे भी इतना ही आएगा, वैसे भी ई ए बाई टू ही आएगा, ठीक है, तब तक ले अच्छा क्वेश्चन था, उतना भी हार्ड नहीं था, पर दोनों सही था, आप जैसे भी चाहें उसे बना सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गॉस ला लेकर आएंगे, ठीक है, तो गॉस सर ने क्या कहा था उसे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए,
और पढ़ाते रहिए, ठीक है। मतलब अपना ज्ञान किसी को भी दिए तो उससे क्या होता है, आपका जो रिविजन अच्छे से होता रहेगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होते रहेगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।